रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। एक बहन अपनी भाई को राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है और उसके जीवन में हर विपदा से उसकी रक्षा करती है। भाई अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। विधायक किशोर जोरकीवार ने कहा कि भाइयों के रूप में आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारी प्यारी बहनों को सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने का भी संकल्प है। प्यारी बहनों को सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने का हमारा संकल्प है। बहनों को सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने का भी संकल्प है। पिछले 2 वर्षों में हमने शहर के हर वार्ड में विभिन्न प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके उन्हें प्रशिक्षित किया है। इसमें हमने महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, मेकअप, सिलाई, फैशन डिजाइन जैसी महंगी ट्रेनिंग मुफ्त में दी है। इसके माध्यम से सैकड़ों महिलाओं ने अपना रोजगार खड़ा किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वे ऐसी गतिविधियां संचालित करते रहेंगे। आज के युग में अपनी बहनों को सक्षम, आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी बनाना हमारा परम कर्तव्य है। समाज के विभिन्न स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बहनों को शिक्षा, सही अवसर और सहायता प्रदान करके हम उन्हें अपने सपनों को हासिल करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। स्वाभिमान हमारी बहनों के व्यक्तित्व का आधार है। स्वाभिमान से भरी महिला किसी भी परीक्षा में सफल होकर स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ राखी बांधने का नहीं बल्कि हमारी बहनों को एक नया सहारा, नई दिशा और नया विश्वास देने का है। इस अवसर पर हजारों प्यारी बहनों ने विधायक किशोर जोरकीवार को राखी का पवित्र धागा बांधा। विधायक किशोर जोरकीवार ने भी बहनों को उपहार देकर उनके पीछे खड़े रहने का वादा किया है। इस कार्यक्रम में यंग चांदा ब्रिगेड कार्यकर्ताओं सहित हजारों महिलाओं ने भाग लिया है। अमिताभ बच्चन पेक्षा माझं काम मला सन्मान म्हणणार। मी जर गेलो या राज्याचा पोलीस पाहायला श्रीमंत माणूस माझे विचार करतो। विमानामध्ये मी जेव्हा येतो मला पहिल्या रांगेतली सीट मिळते। विमानातून जेव्हा मी खाली उतरतो मला घ्यायला 4 पोलीस मुंबई। त्या कष्टकरी मायने दिलेल्या त्या संस्कारामुळे आणि तुम्ही दिलेल्या त्या आशीर्वादामुळे एवढं मी या ठिकाणी सांगतो। आणि ही जात मला या जन्मात नाही 7 जन्म वेदना देता एनबीसी न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की रिपोर्ट।